हेलो स्टूडेंट्स, अब फोर्थ चैप्टर इज फूड फॉर हेल्थ जो हम देख चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है टेक द करेक्ट आंसर। टू स्टे अलाइव वी नीड फूड, क्लोथ्स और टॉयज। हमें अलाइव रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फूड की। फूड वी डू नॉट ईट रो इज, हम क्या नहीं खाते हैं फूड में? कैरेट, रेडिश और राइस। So, rice. Which of this is more an energy-giving food? Energy-giving food क्या है? Fish, sugar और peas. Sugar. हमने देखा था chapter में sugar क्या है? Energy-giving food है. We should not eat too many chocolates and sweets as they are bad for our. हमें ज़्यादा chocolates और मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए? वो किसके लिए? ऐसी क्या चीजें जो ये खाने से खराब हो जाती है? वो है टिथ, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज एनर्जी, बोन्स, वाटर, रेगुलर एंड सिक। फर्स्ट है फूड गिव्स अस डैश टू वर्क, प्ले एंड थिंक। एनर्जी। नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड builds our dash and muscles. Bodybuilding food क्या करता है? Bones और muscles को क्या करता है? Strong बनाता है, build करता है. Protective foods prevent us from falling sick. Protective food जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमें बीमार होने से बचाते हैं. वो क्या containing होते हैं? Minerals and vitamins. Dash helps to throw out our the undigested wastes from our body. ये है water. Water क्या मदद करता है? हमारे undigested food को body से बाहर फेंकने में मदद करता है. Next is we should eat food at dash interval regular. Match the following. First protective food, second body building food, third energy giving food and we should eat. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है? कीप्स अवे फ्रॉम डिशेस डिजीज। सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या करता है? हेल्प अस टू वर्क। एंड लास्ट वन इज वी शुड ईट इनफ बट नॉट टू मच। ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? वी नीड फूड बिकॉज टू गेट एनर्जी। बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डू वी यूज एनर्जी फॉर? हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? वी यूज एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच शुड वी ईट? हमें कितना खाना चाहिए? We should eat according to our age. Next question है, where should we eat? हमें कहाँ खाना चाहिए?
we should eat? At clean place. कहाँ खाना चाहिए हमें? साफ सुथरी जगह पर. Fifth question, why should we not eat uncovered food? We should not eat uncovered food because this is causing bacteria can pollute it. Sixth question, name three good food habits. गुड फूड हैबिट्स लिखनी है हमें. फर्स्ट, टेक योर फूड एट प्रॉपर टाइम. सेकेंड इज वॉश योर हैंड clean before and after eating. And third one is eat slowly. Your question answer is done. आपको क्या करना है, अपने question answer को अपनी notebook में उतारना है. इसके लिए आपको group में PDF दे दी जाएगी. आपको क्या करना है, question answer उसमें से देख के करना है. अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, देख कर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. तब तक आप सेफ रहें और अपना होमवर्क अच्छे से करें. थैंक यू.